नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पोलखो न्यूज में और आपके साथ मैं हूं प्रीति गौर। अमूमन मीठे को देखकर मुंह में पानी अपने आप आ जाता है और मीठा खाने की चाहत और ज्यादा बढ़ जाती है जब सामने अल्मोड़ा की फेमस मिठाई बाल मिठाई हो। तो आज आपको बाल मिठाई की इसी खासियत के बारे में बताएंगे और साथ ही इसके इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। जी ना जाए और रहा ना जाए। जी हाँ, कुछ यही हाल होता है जब सामने अल्मोड़ा की फेमस मिठाई बाल मिठाई होती है। कहा जाता है कि अल्मोड़ा के बाल, माल और पटाल तीनों ही अल्मोड़ा को दर्शाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इसका क्या कुछ मतलब है। तो आपको बता दें कि बाल, माल और पटाल में बाल बाल मिठाई को दर्शाता है, वहीं माल अल्मोड़ा की माल रोड को दर्शाता है, जबकि पटाल से मतलब है घरों की छत। ऐसे में अब कहावत से ही आप समझ गए होंगे कि आखिर अल्मोड़ा की बाल मिठाई कितनी फेमस है। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो करीब 200 साल पहले यानी कि 19वीं सदी में इस बाल मिठाई की शुरुआत उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हुई। हालांकि इतिहासकार ये भी बताते हैं कि एक खास मिठाई पहले 7वीं और 8वीं शताब्दी में नेपाल से उत्तराखंड पहुंची थी, लेकिन उत्तराखंड में मुख्य तौर पर इस विश्व प्रसिद्ध मिठाई की शुरुआत सन 1875 में अल्मोड़ा के लाला जोगाराम द्वारा की गई थी। बताया जाता है कि लाला जोगाराम हलवाई थे जिनके अल्मोड़ा में एक बड़ी सी दुकान हुआ करती थी और दुकान में केवल बाल मिठाई ही बनाई जाती थी। बताया जाता है कि लाला जोगाराम इस मिठाई को बनाने के लिए अल्मोड़ा के फाल सीमा गांव से स्पेशल क्रीम वाला दूध मंगवाया करते थे, जिसके बाद क्रीम वाले दूध को फेंट फेंट कर खोया बनाया जाता था और इस खोए को चीनी में तब तक पकाया जाता था जब तक कि वो चॉकलेट के रंग की तरह भूरा न हो। ये मिठाई जब पककर भूरी हो जाती थी तो जोगाराम इसे टुकड़ों में काटते थे और उन टुकड़ों के ऊपर चीनी की सफेद गेंदों से इस मिठाई को सजाया करते थे। मिठाई जब बनकर तैयार हो जाती थी तो जोगाराम की दुकान पर खरीदारों की भीड़ लग जाया करती थी। अंग्रेज इस मिठाई को केवल इसीलिए ही नहीं खाया करते थे क्योंकि स्वाद में अच्छी होती थी, बल्कि इसलिए भी खाया करते थे क्योंकि ये मिठाई शुरुआत से ही सेहत के लिए बेहद लाभदायक रही है। दरअसल ऐसा माना गया है कि बाल मिठाई प्रोटीन, लैक्टोज, ग्लूकोज और वसा का ऐसा प्राकृतिक समायोजन है जो शुद्ध दूध से 5 गुना अधिक पौष्टिक तत्वों से युक्त होता है और इसीलिए अंग्रेज इसे खाना पसंद किया करते थे। इस मिठाई की लोकप्रियता धीरे धीरे इसके लचीलेपन के कारण भी बढ़ती चली गई। दरअसल ये मिठाई इतनी लचीली होती है कि इसे बच्चे, बूढ़े और जवान आसानी से चबा सकते हैं। यही वजह है कि ये सभी की पसंदीदा मिठाई बनती गई। अपनी इसी खासियत की वजह से बाल मिठाई देश विदेश में भी लोगों की पसंद बनती चली गई और यही वजह है कि आज बाल मिठाई को हर कोई खाना चाहता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए पोलखोल न्यूज। नमस्कार।